बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर आज मैं उतरौला सिर्फ इसलिए आया हूँ कि आज मैं अपने बड़े भाई डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब को 2022 विधानसभा का जो इलेक्शन होना है मजलिस हमारा 2022 में जो सबसे पहला रिजल्ट आएगा वो उतरौला विधानसभा से दूसरा एक खास ऐलान, चूंकि आज मैं उतरौला में हूं ये ऐलान लखनऊ से होना चाहिए था, लेकिन उतरौला भी मेरे लिए बहुत अहम है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का दिल है। हम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में एक आज नई विंग का ऐलान करते हैं जो ओवैसी यूथ ब्रिगेड के नाम से जानी जाएगी। उस ओवैसी यूथ ब्रिगेड का प्रदेश अध्यक्ष अलीगढ़ के रहने वाले पार्टी के कर्मठ और जुझारू पार्टी के डिवोटेड वर्कर जनाब सैयद नाजिम अली साहब को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द सैयद नाजिम अली जो 5 सालों से हमारी पार्टी में मजबूती के साथ पूरे वेस्टर्न यूपी में काम कर रहे हैं इस कारवां को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। और एक तीसरा ऐलान मैं ये कर रहा हूँ कि अभी तक उत्तर प्रदेश में हमारी जो लीगल टीम थी वो पूरे प्रदेश में हमारे एक अध्यक्ष थे। चूंकि हमारा प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है, 24 करोड़ की आबादी है और हाईकोर्ट की एक लखनऊ बेंच प्लस एक इलाहाबाद हमारी हाईकोर्ट ही है, तो इसलिए हम लोगों ने हमारी पार्टी ने यह फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश में हम अपनी लीगल सेल को 4 जोन में बांटने जा रहे हैं। वेस्ट यूपी के हमारे लीगल सेल के जो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे उनको वेस्ट यूपी का इंचार्ज बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया लीगल सेल का जनाब शादाब खान एडवोकेट साहब, और हमारे ईस्ट यूपी यानी पूर्वांचल लीगल सेल का अध्यक्ष जनाब एडवोकेट आरिफ पाल साहब को नियुक्त किया जा रहा है। आज जल्दी इंशाल्लाह बुंदेलखंड और सेंट्रल यूपी का भी लीगल सेल का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाएगा। बाकी आपके जो सवाल